नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। आज हम बताएंगे माता श्री लोना चमाई। देखिए, कुछ तांत्रिक जो हैं वो डायरेक्ट लोना चमारीन बोल देते हैं, जो एक सम्मानीय और एक जो होता ना रिस्पेक्ट देना चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमारे जो कामाख्या में जो वाकई में लोना माता लोना चमाई को पूजते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो उनको सर्वप्रथम आगे माता लगा दिया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है, अगर हम लोना चमाई के बारे में माता लोना चमाई के बारे में मालूम करें, तो इनको पूजने वाले, इनको मानने वाले, इनके बहुत सारे शिष्य ब्राह्मण बंधु भी बने थे। ये बात अलग है कि आज की राजनीति में सनातन धर्म को जातियों से बांटा जा रहा है। प्राचीन में कुछ और था, बताया कुछ और जा रहा है, और जो बताया जा रहा है उसको भी लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि यह सत्य है कि असत्य है। बहरहाल, इस पर चर्चा करेंगे तो फिर कुछ लोग दूसरी तरह सोचेंगे, तो इस पर चर्चा ना करके आते हैं। ये तो होना ही, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु निज विविध शरीर, यानी तब आएंगे प्रभु, कोई ना कोई रूप रख के आते और निश्चित आएंगे, और ये जो माया जाल फैला हुआ है इसका सर्वनाश करेंगे। तो माता लोना चमारीन का आज हम आपको एक ऐसा मंत्र बता रहे हैं जिसे बोलते हैं घंटकी मंत्र। घंटकी मंत्र ये घंटे भर में काम करने वाला मंत्र है। किसी को कोई भी पीड़ा हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी मनोकामना हो, उस मनोकामना के जो आसार होते हैं वो आपको घंटे भर में उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना ये मंत्र चालू कर देता है। तो सर्वप्रथम आइए सब लोग सबसे पहले माता जी के सम्मान में एक आंख मूंद के एक बार हम लोग जरूर से बोलेंगे, ओम श्रीं महादेव्ये मातेश्वरी, ओम नीलांचलः पर्वत, ओम लोनः लोनः महादेवी नमोस्तुते। बोलो माता लोना चमाई की जय। प्यारे दर्शकों, इसको आप किसी भी अमावस्या को आप जाप करके सिद्ध कर सकते हैं, और दीपावली है तो अति उत्तम, या किसी ग्रहण काल, या होली दिवाली त्योहार में, दशहरे में भी। करना क्या है, आपको पानी वाला एक नारियल और 5 छुहारे दक्षिण मुख होकर रात को, आपको जो बताया गया है, रात को आप सन्नाटे में बैठें, घर पे भी कर सकते हैं जहां किसी प्रकार का रोक टोक ना हो। एक घी का दीपक जलाएं, दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल रखें या धान रखें, धान बोलते हैं चावल के फल को, उसके ऊपर से छिलका हटाया जाए तब चावल बनता है। इसके पश्चात चिराग जलाने के बाद एक बाती जलाना है, रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मंत्र दिया जा रहा है उसको आपको एक माला कंप्लीट करने के बाद 11 बार गूगल की आहूर्ति कोयले पे देना है, और नारियल छुआरे का भोग देना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना कि कोई मूर्ति स्थापना, कोई कुछ करना, कुछ नहीं, बस दीपक के सामने जैसे बताए फूल अगरबत्ती धूप बत्ती कुछ नहीं। इस तरीके जब आप जाप कर लेंगे ये कंठस्थ हो जाएगा, यानी बगैर रुके बगैर अटके आप बोलना चालू कर देंगे, तो आप अजमा लेना, उसी दिन पता चल जाएगा ये चमत्कार को नमस्कार वाले क्या बताते हैं और उसका क्या रिजल्ट रहता है। मैं वादा करता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रयोग को अगर सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अगर आपने कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया, तो आजमा लेना, तुरंत आजमा लेना। मिथ्या अगर होगा तो आप तत्काल हमारे सब्सक्राइबर होंगे तो हम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह वादा है आपके भाई का। इसको करिए, लाभ उठाइए और लोगों तक पहुंचाइए। भारत देश के समस्त जितने भी लोग हैं सनातनी, उनकी मैं हमारा चैनल भरपूर सहयोग कर रहा है, इसके अलावा गैर सनातनी जो है उनको भी अपने भाई बंधु समझ के जो अगर मेरे दरबार आता है तो उसकी भी मदद की जाती है। तो हमारा सनातन धर्म तो वो है, किसी को ऊंच नीच भेदभाव को मिटाकर जीव की सेवा ही करना शिव की सेवा है। तो चलिए, आप इसको करिए, लाभ उठाइए। किसी प्रकार की समस्या हो, सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं, कॉल नंबर वही पुराना, व्हाट्सएप पे कोई सवाल ना करें, अन्यथा जवाब देने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बड़ा जवाब हो देना पड़ता है और व्हाट्सएप पे एक नहीं 10,000 मैसेज 24 घंटे के अंदर पड़ जाते हैं। अब आप सोचिए कि 10,000 मैसेज ये बंदा कैसे दे सकता है,
कंप्यूटर तो है नहीं, तो इसलिए आपसे निवेदन है कॉल पे करिए, कॉल पे कोई असुविधा होती है तो हमसे बताइए, हम आपकी सेवा में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।